किसान जो है बड़ी मेहनत करके जो है फसल को तैयार करता है और होता क्या है कि फसल बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। और आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है कि किसान जो है रोता हुआ जो है जिला सचिवालय में इंसाफ के लिए पहुंचा है और उससे बातचीत के दौरान पता चला है कि उसकी जो फसल है, ईख के खेत है, वो किसी ने जला दिए है। तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। प्रपाल के लड़के हैं जी, और जी उन्होंने अपने खेत में आग लगाई और उसके जरिए मेरे खेत में भी आग चढ़ गई, मेरा बिल्कुल नाश कर दिया जी उन्होंने। फिर जी उसके बाद मेरे पास कोई बात नहीं, आप हौसला रखिए। मेरे पास मैं मशीन ला रहा था जी रोड पे, जी मेरे पास कॉल आया कि आपकी फसल जड़कर नष्ट हो चुकी है। तो मैं 3 बजे वहाँ पे अपने गन्ने कोल्लू के लिए गन्ना लेने जा रहा था जी, और वहीं पे वो लड़के जो राजू बिट्टू अशोक है वो अपने खेत में आग लगा रहे थे जी, और मेरे को क्या पता था ये आग इधर भी आ जाएगी। तो मेरे पास 4 बजे कॉल आया तो मेरा गन्ना सारा ख़त्म हो गया। फिर मैंने कुछ बच जा ये थोड़ा बहुत। तो मुआवजे की बात की थी आपने कोई उनसे कि आप मेरा जितना नुकसान हुआ दे दीजिए? वो तो वही थी जी पंचायत MC साहब के ऑफिस में सुभाष कश्यप जी के जी, वो लगे कहने भाई हम तो कुछ नहीं देंगे जी, 500-400 रुपये दे देंगे और 500-500 रुपये इकट्ठे करके जी, मगर जी मेरे को पूरी भरपाई चाहिए जी जो मेरा नुकसान। अभी सर से मिले क्या कहा? अभी मिल के आए हैं जी। क्या कहा? अभी उनके पास से कोई रिपोर्ट नहीं आई है जी, अभी बताएंगे जी वो उस सर के पास कॉल आ जाएगा और वो जी अभी SP साहब के पास से कॉल आएगा जी, वहाँ से कितने बच्चे आपके? तीन है। इसी से आपका घर चलता है? हाँ जी, मम तो अपना गले गुजारा कर रहे थे जी, सालों ही मुंह बाहर बाहर देख रहे थे, गन्ना तैयार हो गया घर जूस का डोदा में मशीन बा पड़ोसियों ने आग लगा दी और मेरा भी खेत जला दिया जी। मैं तो वहाँ गन्ना काटन जा रहा था, मैं आ गया वहाँ थे और ऊन आग लगा रही थी। फिर अल्ले में अपने घरों आगे जो मन यूँ पता होता है आग लगावेंगे यहाँ मेरे खेत में भी, मैं तो वहाँ तैयार रहता जी बुझाने वास्ते, और मन आग बुझाई मेरे अंदर आग बढ़ गई। वो तो ये बोलते हैं जी मेरी मैंने तो जब वहाँ MC साहब के ऑफिस से आए वो लगे कहने तुम तो जिंगले हो, कुत्ते हो, कमीन हो, ऐसे ही क्या हुआ जी। मेरी बरादरी के मिले थे आप कुछ आश्वासन? मेरी बरादरी के बारे में उन्होंने गलत बोला, मेरी मदद करना और सख्त से सख्त कार्रवाई करना जो मेरी बरादरी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि तो आपने देखा कि किसान जो है फूट कर रो रहा है, और आपको बता दे कि जो उसकी गन्ने के खेत की जो फसल है वो किस तरह से जल जाती है, और जो उसी से जो है वो अपने घर का गुजारा करता था, और आपको बता दे कि उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो उनको रोटी खिलाए तो कैसे खिलाए, वो दाने दाने का मोहताज हो गया है। और आपको बता दे कि जिला सचिवालय में वो DC से मिलने के लिए पहुँचे थे और उनका ये भी कहना है कि मुझे कोई ठीक आश्वासन भी नहीं मिला है, जिसके चलते जो है अब उसको जो है दाने दाने के लिए वो मोहताज हो चुका है, और मुआवजे की जो मांग उसने की थी वो भी अब उसको लगता है कि मुआवजा कहीं नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि जब उसके खेत में आग लगती है तो वो बुझाने के लिए जो है खेत में लगी हुई आग के अंदर ही जो है कूद जाता है, जिसके बाद वो झुलस जाता है। और आपको बता दें कि काफ़ी दिनों तक वो हॉस्पिटल भी रहता है, अस्पताल से आने के बाद जो है उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो आपने वो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से उनसे हमने बातचीत भी की है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।